क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। अगर आप भी ऋषभ पंत को भारतीय टीम का एक अच्छा विकेट कीपर बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए चाहें। दोस्तों आप सभी को तो बताई है, भारतीय टीम हार चुकी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला, जहां साउथ अफ्रीका ने 31 रनों से शानदार तरीके से मुकाबला जीता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी वजह जहां ये पूरा मैच बदल गया था। दोस्तों साउथ अफ्रीका इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी, जहां इनके पास पहली विकेट जानेमन मलान की गिरी थी पहली इनिंग में साउथ अफ्रीका की, जो मात्र इस मुकाबले में 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। दोस्तों उसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाज इनके आते हैं कप्तान टेम्बो बुआमा, जो कि साउथ अफ्रीका के एक तूफानी बल्लेबाज हैं और कप्तान भी हैं। ऐसे में इनकी बल्लेबाजी शुरुआत से ही तगड़ी नजर आ रही थी, जहां कि वो पहले ही से ही सेट बल्लेबाजों की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों भारतीय टीम को पूरी तरह से शक्ता कि एक तूफानी बल्लेबाजी के इरादे से आए हैं। ऐसे में इनके सामने इस तूफानी मुकाबले में पंचवें ओवर की पांचवी गेंद डालने आए भुवनेश्वर कुमार। दोस्तों भुवनेश्वर कुमार ने जैसे ही गेंद डाली तो बल्ले का हल्का सा एज लेकर गेंद गई सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में। ऋषभ पंत ने इस कैच को पकड़ने की अपील की, लेकिन वो श्योर नहीं थे कि ये कैच उन्होंने सही में पकड़ी है या नहीं, तो भुवनेश्वर कुमार भी उनसे पूछने लगे। दोस्तों एक विकेट कीपर की जिम्मेदारी होती है कि वो बताएं कि वो कैच पकड़े हैं या नहीं। ऐसे में खुद ऋषभ पंत को पता नहीं था कि ये कैच हुई है या नहीं। ऐसे में डिसीजन गया थर्ड अंपायर के पास। अब ये डिसीजन काफी बड़ा हो चुका था, क्योंकि टेम्बो बुआमा की विकेट काफी बड़ी थी। दोस्तों अल्ट्रा एज में दिखा कि बल्ले का बहुत ही बड़ा एज लगा है गेंद को, और टेम्बो बुआमा ने पीछे भी देखा था। अब बारी आई गेंद में दस्तानों के लगने की। दोस्तों जब ऋषभ पंत ने गेंद को पकड़ने के लिए नीचे अपना हाथ किया था तो हाथ गेंद तक नहीं पहुंच पाया था और गेंद पहले घास पे टपक कर उनके ग्लोव्स में आ गिरी थी, जिसके चलते डिसीजन को नॉट आउट दिया गया। ऋषभ पंत थोड़ा सा और एफर्ट कर देते तो ये कैच हो जाती और टेम्बो बुआमा मात्र 4 रन पर आउट हो जाते थे। लेकिन ऋषभ पंत को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनकी ये एक गलती कितनी भारतीय टीम को भारी पड़ेगी। दोस्तों कैच को छोड़ने के बाद वो हंसते हुए नजर आए, जो कि नामुमकिन सी बात है। दोस्तों इसका पूरा फायदा उठाया टेम्बो बुआमा ने और भारतीय टीम के खिलाफ तूफानी शतक जड़ा। उन्होंने इस मुकाबले में तूफानी पारी खेली 110 रनों की और अपना बेहतरीन शतक ठोका, जहां 4 रन पर आउट होने वाले थे ऋषभ पंत के हाथों टेम्बो बुआमा, वहीं इन्होंने शतक लगाया। दोस्तों इस गलती को देखकर खुद ऋषभ पंत अफसोस करने की बजाय हंसते हुए नजर आए। दोस्तों आप ऋषभ पंत की इस हरकत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया के बीच में समाप्त हो चुका है पहला ओडीआई मुकाबला, तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाइलाइट। दोस्तों कमाल लाजवाब राहुल भारत की तरफ से कप्तानी कर रहे थे अभी डब्ल्यू के मैच में, तो वहीं टेम्बो बुआमा साउथ अफ्रीका के कप्तान बनकर आए। दोस्तों केएल राहुल ने टॉस हारा, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में साउथ अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ले चुकी थी। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम इस तूफानी मुकाबले में। शुरुआत तो अच्छी थी साउथ अफ्रीका की, जहां क्विंटन डिकॉक ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने अपनी तूफानी गेंदबाजी का जलवा दिखाया। इनके शिकार बने पहले सलामी बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के जानेमन मलान। दोस्तों जसप्रीत बुमराह की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए मलान और गेंद बल्ले का हल्का सा एज लेकर गई सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में, और यहीं पर भारतीय टीम को पहली सफलता मिली। जानेमन मलान मात्र 6 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर पंत को अपना कैच बैठे, तो उनके बाद 27 रन पर खेल रहे थे क्विंटन डिकॉक, जो अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे थे। लेकिन जब अश्विन ने उन्हें घूमती हुई गेंद डाली तो मिस कर बैठे और गेंद लगी सीधा विकेटों के डंडों पर, और यहीं पर बोल्ड होकर रह गए क्विंटन डिकॉक 27 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर पूरी तरह से बोल्ड होकर रह गए। तो उसके ठीक बाद एक और झटका लगा साउथ अफ्रीका को, मार्करम सिंगल लेने के चक्कर में दौड़ पड़े, वेंकटेश अय्यर ने डायरेक्ट थ्रो मारा और कई मीलों दूर रह गए बैटर मार्करम क्रीज से, और यहीं पर 4 रन बनाकर रनआउट के रूप में भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिली। दोस्तों ये तो तीसरी सफलता नाम के लिए थी। उसके बाद वैंडर डूसन बल्लेबाजी करने आए और उनका साथ देने आया साउथ अफ्रीका कप्तान टेम्बो बुआमा। दोनों ने मिलकर मैदान पर आग लगा दी, दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोस्तों टेम्बो बुआमा ने कप्तानी पारी खेली और बेहतरीन से बेहतरीन पारी खेली। दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों की एक नहीं चलने दी टेम्बो बुआमा ने, और इस मुकाबले में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से शतक लगाया। जी हाँ दोस्तों टेम्बो बुआमा ने शतक लगाया 110 रनों की पारी खेली। अंत में वो जसप्रीत बुमराह की इस गेंद को भी छक्के के पार पहुंचाने चाह रहे थे, लेकिन गेंद के नीचे आ बैठे कमाल लाजवाब राहुल, और यहीं पर 34 सफलता मिली भारतीय टीम को, लेकिन कई देर के बाद, क्योंकि टेम्बो बुआमा जब तक 110 रनों की पारी खेल चुके थे, लेकिन उनका साथ देने वाले बल्लेबाज वैंडर डूसन ने उससे भी खतरनाक बल्लेबाजी की। दोनों ने मिलकर बेहतरीन साझेदारी निभाई थी। दोस्तों वैंडर डूसन ने तो टेम्बो बुआमा से भी खतरनाक पारी खेली और इस मुकाबले में 129 रनों का तूफानी शतक जड़ा और अंत तक नापाक है।
जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 96 गेंदों पर वैंडर डूसन ने 129 रनों की तूफानी पारी खेली और टेम्बू बुआमा से भी 19 रन ज्यादा लगाकर अपना तूफानी शतक पूरा किया और अंत तक नाबाद गए। दोस्तों अगर स्टैटिक की बात करें तो दोनों के बीच में 258 रनों की पार्टनरशिप हुई जो अपने आप में काफी बड़ी बात थी। उसके बाद अंत में डेविड मिलर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए सिर्फ 2 गेंदें खेलने के लिए और 2 गेंदों पर 2 रन बनाए डेविड मिलर ने और उनके साथ 129 रन पर नाबाद खेल रहे थे वैंडर डूसन। ऐसे में दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीका को पहुंचाया 296 रन तक। जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम ने 296 रन लगा दिए 4 विकेट खोकर। भारतीय टीम की गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह के हाथ में 2 विकेट आए और अश्विन के हाथ में 1 विकेट आया और 1 रन आउट हुआ साउथ अफ्रीका का। इतने टारगेट का पीछा करने तो भारतीय टीम की तरफ से कमाल लाजवाब राहुल और शिखर धवन सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन इस मुकाबले में नए कप्तान कमाल लाजवाब राहुल प्रेशर में अपनी विकेट जल्दी गवा बैठे। 200 मार्क्रम की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए केएल राहुल और बल्ले का हल्का सा एज लेकर गेंद गई सीधा विकेट कीपर की गोदी में। ऐसे में केएल राहुल की विकेट मिली साउथ अफ्रीका को। 200 राहुल इस मुकाबले में मात्र 12 रन बनाकर मार्क्रम की गेंद पर डिकॉक को अपनी कैच देकर आउट हो गए तो उनके बाद शिखर धवन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। इनकी बल्लेबाजी में एक खूबसूरत टच नजर आया जिसके चलते शिखर धवन ने तूफानी बल्लेबाजी की और तूफानी बल्लेबाजी के चलते अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन जब 79 रन पर खेल रहे थे शिखर धवन तो इस गेंद पर महाराज की बोल्ड हो बैठे और यहीं पर इनकी पारी भी समाप्त हुई। 79 रन पर आउट हो गए शिखर धवन, वो भी टॉप स्कोरर बनकर भारतीय टीम के। उनके पास 30 रन पर बल्लेबाजी करने आए थे विराट कोहली। 200 कप्तान तो नहीं थे विराट कोहली, लेकिन बल्लेबाजी में काफी बेहतरीन टच नजर आया विराट कोहली की। इन्होंने भी बेहतरीन अर्धशतक लगाया। 251 रनों की पारी खेल चुके थे विराट कोहली। ऐसे में जब उनके सामने शमसी ने ये गेंद रखी तो उन्होंने छक्का मारने के चक्कर में इस गेंद को फ्लिक किया। सभी की नजरें गेंद पर थी लेकिन गेंद गई सामने खड़े फील्डर के हाथ में। ऐसे में कप्तान की कैच कप्तान ने ही पकड़ी, टेम्पू बुआमा ने कैच पकड़ी, शमसी की गेंद दी, विराट कोहली 51 रन बनाकर वापस मैदान से लौट गए तो उनके बाद श्रेयस अय्यर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन इस शॉर्ट गेंद पर लुंगी निगेड़ी की बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डिकॉक को पीछे अपना कैच दे बैठे श्रेयस अय्यर और 17 रन बनाकर श्रेयस अय्यर भी 17 गेंदों का सामना करते हुए आउट हो गए तो उनके बाद ऋषभ पंत से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी लेकिन वो भी बड़ी गलती कर पाए। दोस्तों इस गेंद को पढ़ नहीं पाए ऋषभ पंत और अपना पैर क्रीज से आगे ले आए बैठे और यहीं पर स्टंपिंग आउट हो गए श्रेयस अय्यर के बाद ऋषभ पंत, वो भी 16 रन बनाकर पंत भी आउट हो गए। दोस्तों आप सभी को बता दें कि डेब्यूटेंट बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। छक्का लगाने के चक्कर में निगेड़ी की इस गेंद को खेल बैठे वेंकटेश अय्यर और गेंद गई सीधा फील्डर के हाथ में और 2 रन बनाकर वेंकटेश अय्यर भी आउट हो गए। ऐसे में उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे भुवनेश्वर कुमार। 200 उनसे पहले अश्विन बल्लेबाजी करने आए थे लेकिन वो भी इस तरह से बोल्ड होकर रह गए और मात्र 7 रन बनाकर रवि अश्विन भी आउट हो गए। 200 अश्विन फिलोक वायु की गेंद पर बोल्ड हो गए तो उनके बाद भुवनेश्वर कुमार की विकेट मिली जो इस गेंद पर सामने खड़े फील्डर के हाथ में सीधी अपनी कैच दे बैठे और यहीं पर ये भी 4 रन बनाकर शमशी की गेंद पर आउट हो गए। उनके बाद लॉर्ड शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी करने आए थे। 8 विकेट भारतीय टीम के गिर चुके थे और भारतीय टीम के हाथों से पूरी तरह से मुकाबला निकल चुका था क्योंकि दोस्तों सभी को बता दें 5 गेंदों पर 37 रन चाहिए थे जो कि नहीं बन सकते थे। ऐसे में अंत में लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने अपना अर्धशतक तो पूरा किया लेकिन भारतीय टीम को जिता नहीं पाए। ऐसे में साउथ अफ्रीका की टीम ने भारतीय टीम को 31 रनों से हरा दिया। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका बनाम भारत का पहला वनडे मुकाबला समाप्त हो चुका है और साउथ अफ्रीका की टीम ने 31 रनों से भारतीय टीम का मुकाबला हरा कर रख दिया। दोस्तों भारतीय टीम की कई गलतियां थी। दोस्तों आप भारतीय टीम की कौन सी गलती की वजह से भारतीय टीम को हार मिली होगी इसका जवाब हमें कमेंट में बार जरूर बताना है। दोस्तों भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच में शुरू हो चुका है पहला वनडे मुकाबला। दोस्तों आप सभी को बता दें कमाल लाजवाब राहुल कप्तानी करने आए भारतीय टीम की पहली बार अपनी ओडीआई कप्तानी में। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बू बुआमा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में अपने पहले ही वनडे मुकाबले में केएल राहुल ने टॉस हार दिया। ऐसे में अब बारी थी साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी की। 200 जानेमन मलान और उनके साथ क्विंटन डिकॉक बल्लेबाजी करने आए। 200 दोनों ही बल्लेबाजों का स्टैटिक काफी ज्यादा बेहतरीन था। ऐसे में ये दोनों सलामी बल्लेबाज बनकर भारतीय टीम के खिलाफ बल्लेबाजी करने आए। 200 शुरुआत अच्छी दिलाई क्विंटन डिकॉक ने, जहां शुरुआती 3 ओवरों में 3 बाउंड्री लगाई क्विंटन डिकॉक ने तो जानेमन मलान ने भी एक चौका जड़ा था। लेकिन उसके ठीक बाद बुमराह ने ये गेंद फेंकी जानेमन मलान को और वो अपना बल्ले का एज देकर गेंद गई सीधा पीछे खड़े विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में और यहीं पर अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे जानेमन मलान जसप्रीत बुमराह की गेंद पर। 200 ये मात्र 6 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर पंत को अपनी कैच देकर जानेमन मलान आउट हो गए। ऐसे में उनके बाद क्विंटन डिकॉक भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बड़ी पारी खेलेंगे क्योंकि शुरुआती 3 ओवरों में 3 बाउंड्री लगाने वाले यही एक लौते ऐसे बल्लेबाज थे साउथ अफ्रीका के। लेकिन अश्विन ने उनके सामने जब गेंदबाजी की तो इस तरीके से बुरी तरह से बोल्ड कर रख दिया क्विंटन डिकॉक को अश्विन ने, जिसे देख खुद क्विंटन डिकॉक भी हैरान हो गए और मात्र 27 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर बोल्ड हो गए। 200 यही पर 58 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे साउथ अफ्रीका के। तीसरे नंबर पर आए एडम मार्क्रम बल्लेबाजी करने के लिए। 200 मार्क्रम भी आते ही वापस पवेलियन का रास्ता दौड़ने लगे। 200 डेब्यूटेंट बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर ने जब वो रन ले रहे थे तो अय्यर ने उन्हें बुरी तरह से रन आउट करा दिया। जी हां दोस्तों, इस तरीके से काफी दूर रह गए एडम मार्क्रम क्रीज से और वेंकटेश अय्यर का ये थ्रो था डायरेक्ट हिट लग गया
और एडम माकरा मात्र 4 रन बनाकर रन आउट हो गए टेस्ट अय्यर के हाथों में। ऐसे में इनकी बहुत बल्लेबाजी करने है वेंडर डुसान जो कि टेस्ट में भी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और इनका साथ दे रहे थे साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बू बुआमा। दोस्तों कप्तान और बल्लेबाज के बीच में बेहतरीन साझेदारी हुई और इसी के चलते बेहतरीन बल्लेबाज टेम्बू बुआ ने अपने तूफानी अर्धशतक भी पूरा किया। जी हां दोस्तों बबुमा ने 63 रनों की बेहतरीन पारी खेली और अपनी बल्लेबाजी को शतक तक लेकर जा रहे थे। उनका बाखूबी साथ दे रहे थे वेंडर डुसान जो 41 रन पर घेर रहे थे। इसी के साथ 150 से भी ज्यादा का साउथ अफ्रीका का स्कोर हो चुका था और